रहीम, मैं हूँ सुमैरा आसिफ और आप देख रहे हैं सुमैरा फूड ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, और ये आज मैं आलू के पराठे आपको नाश्ते में बनाकर बनाना बता रही हूँ, क्योंकि आज हम ये आलू के पराठे नाश्ते में बना रहे हैं। तो आइए हम किस तरह बनाएंगे आलू के पराठे और हमें किस किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जी, ये है आलू जिसे मैंने काट लिए हैं और इनको हम बॉइल होने के लिए रख देते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे हम करेंगे आलू बॉइल, इनको हम रख देंगे 10 मिनट। तो जी जनाब, यहाँ हम गूंदेंगे आटा। आलू के पराठों के लिए हमें 2 प्याली चाहिए फाइन आटा, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। ये हमने 2 चम्मच घी डाल दिया इसमें, और ये नमक हम डालेंगे आधा टी स्पून। इसमें नमक जाएगा और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे ये हो गया घी और नमक मिक्स आटे में। अब हम इसमें नॉर्मल पानी ऐड करके इसको हम गूंद लेंगे आटे को। तो जी हमारा आटा यहाँ गूंद चुका है, और अब हम इसको छोटे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जी हमने इनको छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा घी, और इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आलू बॉयल कर लिए, जिन्हें 10 मिनट के लिए बॉयल करके हमने रख लिया है। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी, ये हरी मिर्ची थोड़ी सी हमने काट ली हैं, हरा धनिया काट लिया है, और ये जाएगा जी साबुत धनिया 1 चम्मच, और चाट मसाला थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन 1 चम्मच, लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, और ये गर्म मसाला पिसा हुआ, और ये नमक, और ये सूखी कसूरी मेथी जाएगी इसमें। और साबुत धनिया को हमने थोड़ा सा हाथ से मसल कर इसको दरदरा सा बना लिया। और ये जाएगा जी अनारदाना, जिसे हमने हवन दस्ते में थोड़ा सा पीस लिया, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो ठीक है। इसी के साथ और चाट मसाले के साथ तो चटपटे आलू के पराठे बनते हैं, तो ये ऑप्शनल अगर आप अनारदाना डालना चाहें तो। चलिए जी, हम अब स्टार्ट करते हैं अपने आलू के पराठे। तो जी हम आलू मैश करेंगे। यहाँ पे हमारे आलू मैश हो रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं आलू मैश। तो जी हमारे आलू मैश हो गए हैं, अब ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो जी हरी मिर्ची जाएंगी इसमें, ये धनिया जाएगा, ये अनारदाना जाएगा, और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो जी ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, अब हम बनाएंगे पेड़े। बना लिए यहाँ पे पेड़े, और अब हम पराठे की फिलिंग करेंगे। जी हम यहाँ पे छोटी छोटी सी रोटी को बेल लेंगे। आप कह रहे होंगे कि सुमैरा के ब्लॉग में शोर बहुत आता है, तो जी ये साथ मेरे मदरसा है, यहाँ मेरे किचन के साथ ही जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और बहुत शोर करते हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। मेरे खुद के बच्चे तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रह जाते हैं, लेकिन मैं दूसरे बच्चों को नहीं चुप पाया, तो इसके लिए माजरत। करेंगे पराठों की फिलिंग। तो जी फिलिंग होगी, अब हम इसके ऊपर ये दूसरी जो हमने छोटी सी रोटी बनाई थी ये डाल लेंगे, और अब हम इसको इक्वल करेंगे, और अब हम इसको बेलेंगे। जी हमने बहुत ही खूबसूरत सा पराठा बेल लिया है, तो अब हम इन्हें कुक करेंगे। तो जी यहाँ पे तवा मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, अब हम हल्का सा तवे को ग्रीस करेंगे, ताकि हमारा पराठा तवे के साथ चिपके नहीं। और जो ये हम डालेंगे पराठा,
क्योंकि यहाँ पे हम चेंज नहीं अभी करेंगे। तो जी यहाँ पे हम लगा रहे हैं ऑयल, ऑयल नहीं घी लगा रहे हैं हम। घी में पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो जी जब तक हमारा पराठा क्रिस्पी नहीं हो जाता हम तब तक इसे बनाएंगे। फिर हम इसको अभी हम इसको पलटते हैं, तो हम पलटेंगे ज़बरदस्त। फिर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो जी ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में पराठे को। दूसरा पराठा छोटी छोटी सी हम रोटी बेलेंगे। तो जी ये हमारी एक छोटी सी रोटी बेली है और हम दूसरी रोटी बेलेंगे। इसको हम हटा देंगे साथ, इसके ऊपर भी ऐसी फिलिंग करेंगे जैसे कि हमने पहले की थी उस पहले पराठे पे। जी बहुत अच्छे से हम इसको बहुत अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे अपनी रोटी के ऊपर। तो जी ये अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी दूसरी रोटी। ये हम इसके ऊपर रख देंगे दूसरी रोटी अपनी ऐसे। हम इस तरह हम इसे बेल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त है हमारा पराठा बेला जा चुका है और अब हम इसे कुक करते हैं। जी हमने इसको तवे पे डाल दिए। अब हम लगाएंगे घी। आप मेरे ये आलू के पराठे ज़रूर ये रेसिपी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे बता नहीं रहे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी बताएं ज़रूर आपको कैसी लग रही हैं। अपने हाथ में इसको पलट लिया इसको लगा के। अब हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे पराठा थोड़ा क्रिस्पी बन जाता है। अब हम इसे चेंज करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से कुक हो गया है हमारा पराठा। और फिर हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से अच्छे से ये इक्वल सा पराठा हमारा क्रिस्पी सा बन जाता है। तो जी आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरा पराठा। ये जो मेरी रेसिपी है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। पराठा दूसरा भी रेडी हो चुका है, इसी तरह हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। तो जी हमारे ये सारे पराठे हमने बना लिए हैं और बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी पराठे हैं। और इसकी अंदर से हम लुक दिखाएंगे आपको कितनी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू का पराठा। और साथ में आप दही लें, सुबह का टाइम है दही भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। बहुत मज़े के आलू के पराठे बहुत चटपटे से बने हैं। तो प्लीज़ ये रेसिपी मेरी ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके लिए बहुत मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।